प्रति में 2 साल की विशेष छूट मिलनी चाहिए सभी दोस्तों को। यदि आज नहीं मिली तो कभी नहीं मिलेगी। है हमें आयु में छूट मिलना जरूरी है, आयु में छूट हमें चाहिए। नहीं मिली तो हजारों बंदों का एक सपना है, जो आर्मी का एक सपना लेके हम जो तैयारी कर रहे हैं वो एक जुनून सपना ऐसे ही रह जाएगा। इसके लिए हमने कुछ नहीं किया तो शायद जो ऐसे ही रहने वाला है। आज का जो अभी नोटिस आ रखा है उसके बारे में कुछ जानकारी बताने से पहले कुछ चीज़ बता दूं। एक्स जो मैंने जो इससे पहले जो कुछ वीडियो अपलोड कर दी, देख ली होगी आपने। एक्स आर्मी सोल्जर की तरफ से भी जो उसके लिए प्रयत्न किया जा रहा है, जो सेना के भर्ती के छूट को लेके उनके लिए भी जो बहुत सी जो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो वो भी जो अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। जितना जल्दी होगा वो भी जो अच्छे से अच्छे आप कंटेंट आपको लेके आएंगे और आपके आयु में छूट को लेके कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेंगे। अब जो आर का नोटिस वो आपको बताता हूँ। ओके सो ये जो ज़्यादा पुरानी न्यूज़ नहीं है, अमर उजाला का जो एक ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर नोटिस देखने को मिल रहा है। इसमें जो जानकारी बता रखी है जो आयु में छूट को लेकर जो इसमें डिमांड की है वो आपको बता देता हूँ। ओके मेरे भाई, ये जो आपको अमर उजाला का ऑफिशियल वेबसाइट है और उस पर जो आपको कुछ देखने को मिलेगा, जम्मू जो सेना भर्ती में होने वाले जो बहुत से बंदे शामिल होंगे, सपना यानी जो उनका एक बैक उच का टूट चुका है, मांग वही रखते हैं कि जो बहुत से बंदे जो हज़ारों बंदे जो इस चीज़ को लेकर जो मांग रख रहे हैं कि 2 साल की विशेष छूट मिलना ज़रूरी है। ये न्यूज़ ज़्यादा पुरानी नहीं है, 15 जून की और 9 बजे के आसपास इन्होंने पोस्ट डाली है। ठीक है, यदि इन हज़ारों बंदों को ये छूट नहीं मिल पाई तो ये नहीं, उनका सपना एक अधूरा रह जाएगा। बहुत से बंदे जो तैयारी कर रहे हैं उनका एक सपना अधूरा रहेगा, आर्मी कभी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। अब जो उनके बारे में कुछ जानकारी बता रही मैं आपको बता देता हूँ। जम्मू संभाग के जो उनकी तरफ से जो RS है, जो पूरा गांव के जो उनका गांव का नाम बता रखा है, उसके बाद में जो मोहम्मद इरमान खान बोले कि बचपन में मेरा जो सपना था कि जो हम आर्मी में जाए, सेना में भर्ती हो, फौज का एक सपना लेके जो जुनून के साथ में तैयारी कर रहे हैं। बहुत से बंदे जो ऐसे ही हैं जो जुनून के साथ में है, जो बचपन से हम सोचते हैं कि जो हम आर्मी में जाएंगे, आर्मी में जो AK-47 चलाएंगे, या जो बहुत सी जो हमने जो अपनी ख्वाहिश होती है वो हमें जो सपने देखते हैं। इस टाइम में बहुत से बंदे जो सपने तो देखते हैं लेकिन जो उसके लिए प्रयत्न भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन उनकी वजह से नहीं, दूसरों की वजह से, या जो ऐसी कुछ कंडीशनें आ जाती हैं जिनकी वजह से सेना भर्ती स्थगित होती हैं। ऐसी जो सेना भर्ती कैंसिल भी हो गई, ठीक है मान लिया हमने कि सेना भर्ती कैंसिल हो गई, कुछ कारण जो अपना रद्द कर दिया, जो ऐसी कंडीशन भी आ गई जिसके कारण जो हमें सेना भर्ती उसको रद्द करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा, पर फर्ज हमारा ये भी बनता है कि जो भर्ती कैंसिल हुई उसको वापस कराना। ऐसे कई बार हो चुका है जो सेना भर्तियाँ आ रखी हैं और जो उसके बाद में कैंसिल हुई, लास्ट में जाके जो मार्च एंड तक जो उसकी भर्ती को रद्द कर दिया, उसको टेको ही ख़त्म कर दिया, ऐसा कई बार हो रखा है। तो मैं जो बंदे चाहते हैं, जो बंदे स्पेशली जो आयु में छूट को लेके कर रहे हैं, सभी बंदे बोलते हैं कि जो मैं 2 साल की आयु में छूट चाहिए, और इनमें जो नोटिफिकेशन में जो बोला है कि इनमें कोई भी आयु में छूट 2 साल की मिलना जरूरी है, क्योंकि 2.5 साल से सेना भर्ती कोई भी नहीं आई है। और इसमें जो पहले जो इनकी सेना भर्ती आई थी वो कुछ 40,000 उम्मीदवार जो इसमें शामिल हुए थे, जो इसमें सांबा जो कुछ नाम से जो उनका वहाँ रैली है वहाँ आया था, उसके बाद में उनकी कोई सेना भर्ती नहीं आई। 40,000 उम्मीदवार इसमें हिस्सा लिया था उस सेना भर्ती में, और इसमें 2,000 जो बंदे इसमें चुनित किए गए थे इनमें सेलेक्ट हो गए थे। अन्य राज्यों में भी कुछ ऐसा हिसाब चल रहा है। इसमें जो 18 से 21 साल के बीच में जो बहुत से बंदे तैयारी करते हैं, जुनून के साथ में तैयारी करते हैं, लेकिन इनकी जो इनकी आयु 21 साल से ऊपर होगी, अब जिनकी आयु 21 साल से ऊपर होगी वो जो दूसरे पोस्ट में अप्लाई करेंगे अब, तो वही चीज़ है, जिनकी आयु ऊपर हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, अभी दूसरी जो वैकेंसी में अप्लाई करेंगे और उसमें जो बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण वो इस सीट को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और जो वर्दी का सपना है छोड़ना पड़ेगा उनको। ऐसा नहीं कि जो उनमें भी जो हम वर्दी को सपना है जो साकार नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, इनको यदि ये जो 21 साल के बंदे हैं जो अभी हो रखे हैं, इनको यदि 2 साल की छूट मिल जाती तो ये जो लगभग अभी आने वाले जो सभी भर्तियाँ हैं उनमें ये आराम से क्वालिफाई हो सकते हैं, जो इन्होंने मेहनत की है, जो प्रयत्न किया है, आराम से बहुत से बंदे जो सिलेक्ट हो जाएंगे और इंडियन आर्मी की जो वर्दी है वो आराम से पहन सकेंगे। यदि जो ये गवर्नमेंट की तरफ से भी अथॉरिटी मिलती है कि हाँ हमें 2 साल की छूट मिलनी चाहिए सेना को, जो बंदे स्पेशली तैयारी कर रहे हैं उनको, तो मैं कहता हूँ कि जो बहुत से बंदे इसमें शामिल हो जाएंगे और 100% यानी यहाँ पे 40,000 बंदे शामिल होते हैं तो कम से कम 5 से 10,000 बंदे जो आराम से सेलेक्ट होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि बहुत से बंदे हैं जो इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं और करते आ रहे हैं, तो उनका खाली नहीं रहेगा और इसमें जोश आ जाएगा एक बार फिर से, जो जिन बंदों का जो एक आस टूट चुकी है वो आस फिर से जग जाएगी उनके अंदर, और जो दिल के साथ में जो वो मेहनत करेंगे
तो गाइस इसमें कुछ ज़्यादा इसमें कुछ बताया नहीं, लेकिन नॉर्मली बेसिक चीज़ बताता हूँ। इसमें जो आर्मी को लेके 2 साल को लेके छूट मंगा है, तो कहीं ना कहीं जो मुझे भी लगता है कि आर्मी के जो बंदे स्पेशली तैयारी करते हैं, जो कड़ी मेहनत करते हैं, जो 3 साल 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, उनको रिजल्ट मिलना चाहिए, उनका एक प्रयत्न साकार होना चाहिए कि उनका भविष्य जो आर्मी को लेकर जो बैठे हैं, आर्मी का सपना लेके बैठे हैं, उनको एक साकार होना चाहिए। बहुत से बंदे, मैं जो जम्मू की बात नहीं कर रहा हूँ, जम्मू के अलावा और भी अदर स्टेट हैं, बहुत से बंदे जो इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, और जो आर्मी की छूट को लेके, आयु में छूट को लेके जो बहुत से बंदे इसके लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं हर दिन, कुछ न कुछ मैंने जो ऑफिशियल वेबसाइट पे, बहुत से जो ऐसे न्यूज़ चैनल हैं उन पर आर्टिकल छापे जा रहे हैं कि जो इसको लेके, तो मुझे भी लगता है कि आर्मी में बहुत से बंदे जो इसमें जो प्रयत्न करते हैं उनको रिजल्ट मिलना चाहिए, जो 2 साल हो 3 साल हो, जो जितना भी इन्होंने प्रयत्न किया उनको रिजल्ट मिलना चाहिए, और इन्हें भी जो आर्मी में शामिल करना चाहिए, आर्मी भर्ती के लिए जो शामिल करना चाहिए, इनको वंचित नहीं रखना चाहिए, क्योंकि 23 साल से बंदा जो ऊपर हो गया वो अभी सेना भर्ती में न तो फॉर्म भर पाएगा और न ही देख पाएगा, तो इनको 2 साल की छूट मिल जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो हो सकता है कि आने वाली सेना भर्ती में ये बंदे शामिल हो सकेंगे, एक जो हमारा एक देश का जो फ्यूचर है वो और भी ज़्यादा जो एक दृढ़ हो सकेगा, मजबूत हो सकेगा। ठीक है, तो इन्होंने 2 साल से मेहनत की है, 3 साल से मेहनत की, तो इनका व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। गवर्नमेंट को भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि 2 साल से ज़्यादा जो अभी कोरोना चल रहा था, इस हिसाब से जो सेना भर्तियाँ बहुत सी जो पोस्टपोन हो गई, स्थगित हो गई, इस चीज़ को लेकर जो सेना को भी चलना चाहिए और आर्मी को भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर समझना चाहिए कि जो हमें 2 साल से ज़्यादा इनको छूट मिलना चाहिए और देना चाहिए, जिससे जो बंदे आर्मी का एक जो सपना साकार कर सके और इनमें जुनून और भी भर सके। जैसे ही आर्मी का जो वो ऑफिशियल वेबसाइट या कोई और नोटिस आएगा, यानी आर्मी में छूट को लेके, तो जो बंदे जो आज छोड़ चुके हैं, आज टूट चुकी है, जिनकी जो आसें टूट चुकी हैं, जो अभी आर्मी का सपना छोड़ चुके हैं, उनका भी एक जोश के साथ में, जुनून के साथ में वो तैयारी करने में जुट जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि जो बंदे स्पेशली तैयारी करते हैं और एक बार छोड़ देते हैं और फिर जो ऐसी छूट मिलती है कि एक बार फिर मौका मिल गया है मुझे, तो उसके लिए जी जान लगा लेते हैं और 100% बहुत से बंदे सेलेक्ट होते हैं। इसी प्रकार जो ये गवर्नमेंट और आर्मी समझती हैं इस चीज़ को लेके, तो 100% बहुत से बंदों का फ्यूचर एक उज्ज्वल भविष्य बन सकता है, कैरियर सेट हो सकता है और एक आर्मी का सपना पूरा हो सकता है। इस वीडियो को जितना उसके अपने जो बड़े यूट्यूब चैनल हैं, बड़े भाइयों हैं, उनके साथ शेयर करो, जिससे हर दोस्त तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। जितना इस वीडियो को शेयर करोगे, जितना जो हो सकेगा आर्मी कहीं कहीं इस चीज़ को लेकर समझेगी और कहीं कहीं हमारी इस मांग को समझेगी और हमें 2 साल से ज़्यादा छूट मिल पाएगी। तो मैं भी ये बोलूँगा, जितने भी अपने बड़े यूट्यूब चैनल हैं उनके साथ में कमेंट करो, कुछ ना कुछ रिप्लाई करो, उनके साथ कुछ ना कुछ वार्तालाप करो, जिससे जो ये चीज़ एक मुद्दा उठ सके और वो भी जो इस चीज़ को लेकर टॉपिक उठाएं, मांग को उठाएं, जिससे जो हमें छूट मिल पाए। सभी को मेरा जय हिंद और वंदे मातरम। जैसे ही कुछ और भी नोटिस आएगा आर्मी के छूट से या आयुष छूट को लेकर, कुछ भी आए मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूँगा। चैनल के साथ जुड़े रहो और मुझे व्हाट्सएप पर फॉलो करके रखना, मेरे आपको नंबर है जो इस मौके पर हमको दे रखे हैं, जल्दी से जाइए मुझे फॉलो जरूर कर देना।